Om Shanti. हम सभी बाबा के बच्चों का ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है, कैसे हम सभी बने ब्राह्मण, कौन सी ऐसी बात हम सभी को आकर्षण की जो हम सभी बाबा के बच्चे बने। अगर देखा जाए तो वास्तव में बाबा का और बाबा का परिवार का निस्वार्थ प्यार, जो प्यार बाबा से मिला, ऐसा प्यार संसार में किसी कोई व्यक्ति दे सकता है? ज्ञान तो बाद में समझ में आता है, लेकिन पहले बाबा से हम सभी को जो प्यार का अनुभव हुआ, उस प्यार के कारण हम सब कुछ कुर्बान कर, लोक लाज, दुनिया क्या कहेंगे, कुछ भी, सब कुछ त्याग करने के लिए हम तैयार हो गए। तो प्यार बहुत बड़ी एक शक्ति है जीवन को बदलने के लिए। स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान है, परंतु बाबा कहते हैं मैं बच्चों के प्यार की रस्सी में बंध के कहाँ से ऊपर से नीचे आ जाता हूँ आप सभी से मिलने के लिए। सर्वशक्तिवान को भी नीचे उतार लेके आने की शक्ति प्यार की शक्ति है। आप एक बात मुझे अभी भी याद आ रही है, शिवरात्रि के दिन हम झंडारोहण करते हैं, बहुत साल पुरानी बात है, ओम शांति भवन वहाँ जो झंडा लहराते हैं हम, वहाँ हमारी प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी आई हुई थी उस समय, सब दादियाँ खड़े हैं और सभी हैं झंडारोहण कर रहे हैं, तो दादी प्रकाशमणि एकदम नशे से बहुत अधिकार के साथ गुलजार दादी को कहती है, दादी बाबा को बुलाओ ना, बुलाओ ना, अभी आए बाबा, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। सचमुच बाबा आ गए, सचमुच बाबा आ गए, और दो शब्द बोल के फिर हम शादी करके चले गए। तो सर्वशक्तिवान होते हुए भी, सर्वबंधनों से मुक्त होते हुए भी, बच्चों का प्यार भगवान को बांध के संसार में उतार ले आता है, तो प्यार की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। तो अगर हम सभी बाबा के बच्चे अगर अपने जीवन को विश्लेषण करें, अनुध्यान करें, देखें गहराई से, हम जो बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही वास्तव में, आधार ही वास्तव में प्यार है। अगर प्यार न मिले सब भाग जाए यहाँ से, मधुबन में भी हम क्यों खींच के आते हैं? फर्स्ट टाइम मैं जब आया था मधुबन, मुझे याद है उन दिनों में खाली पांडव भवन ही था, ना ज्ञान सरोवर, ना शांतिवन, ना हॉस्पिटल, ना कुछ नहीं था, छोटा सा परिवार था। दादी को मिलने के बाद सभी बाबा के बच्चे यहाँ तीन चार दिन हम रहे, सबसे मिलने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि जाऊँ नहीं दुनिया, मैं कहीं नहीं जाना है, इधर ही रहना है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है। सबको अनुभव होता है, लेकिन मेरा अनुभव है, मैं जितने बार भी मधुबन आता था, यहाँ से जाता था, ऐसा एक बार किसी को भी नहीं देखा, मेरा जीवन का अनुभव खाली नहीं है, जो भी हम आते थे जाते थे, ऐसा कोई नहीं होगा जो रो रो के यहाँ से नहीं गया होगा। सच बता रहा हूँ, सबके आंखों में दादी पर्सनली सबको विदाई देती थी, सबको टोली खिलाती थी, गोसुन कमसुन की टोली। अभी परिवार बड़ा हो गया, फिर भी वो प्यार अभी भी बाबा लुटा रहे। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन आधार ही प्यार है। जिसके जीवन में प्यार नहीं, उसका रूखा सूखा जीवन है, नीरस जीवन है। प्रवृत्ति मार्ग और संन्यास मार्ग में यही तो अंतर है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर क्या है? संन्यासियों का जीवन देखना रूखा सूखा, अकेले अकेले जाके कहीं गुफा में बैठ के तपस्या साधना करेंगे, चेहरा देखो कैसा। लेकिन बाबा ने हमको एक परिवार के प्यार की सूत्र में हमको सभी को बांध दिया,
इसमें आपस में जो हमारी निस्वार्थ रूहानी प्यार है, संसार में कहीं किसी की कहीं भी किसी से नहीं प्राप्त हो सकता है। तो सन्यासियों के पास ज्ञान तो बहुत है, अथाह है, बहुत कुछ, बाबा से भी ज़्यादा बहुत अच्छा भाषण सुना देंगे दुनिया वाले। लेकिन बाबा समान ऐसा प्यार दे सकते हैं? हमारे दादियों जैसा प्यार मिल सकता है किसे? तो अगर ब्राह्मण जीवन में प्यार का अनुभव नहीं होता है तो सदाकाल के लिए चल नहीं सकते हैं। और योग भी नहीं लगेगा, सेवा में रुचि भी नहीं रहेगी, रूखा सूखा जीवन अनुभव होगा। जितना प्यार होगा बाबा समान, हम भी मास्टर प्यार का सागर बनेंगे, दूसरों से प्यार का अनुभव होगा, दूसरों को देंगे, तो ही जीवन एकदम सरस अनुभव होगा। जीवन में हर पल एंजॉय करते रहेंगे। सारा कल्प हम सभी बाबा कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहेंगे, आपस में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेला अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए निवृत्ति मार्ग से बिल्कुल अलग बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, जो जीवन हमारा बनाए हैं, बिल्कुल अलग। जिसको बाबा का प्यार अनुभव हुआ और कहीं भी वो जा नहीं सकता है, कोई भी शक्ति उसको आकर्षित इधर नहीं कर सकता है। और जिसको बाबा से प्यार का अनुभव है उसका योग भी बहुत सहज सुंदर, कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, सहज अनुभव होगा। और हमारी पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट योग है। मुरली भी मिस क्यों होती है? बाबा से प्यार की कमी है। बाबा ने कहा है अगर मुरली से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो मुरलीधर से भी प्यार नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। तो जिसका बाबा से अटूट प्रीत होगा, प्रेम होगा, मुरली एक दिन मिस ही नहीं कर सकता है। तो ज्ञान का सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, योग में तो पास होगा ही। धारणा भी बाबा कहते हैं जितना बाबा से प्यार होगा, प्यार के लिए निछावर कुर्बान होने के लिए इच्छा होगी। बाबा इतने कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है। बाबा जो कहते हैं वो करने के लिए मर मिटेगा। जिसके जीवन में प्यार का अनुभव नहीं है, कोई भी काम करने के लिए उसको मेहनत लगता है, कैसे होगा, नहीं हो सकता है। लेकिन प्यार से कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, है ना? नहीं, एक ऐसे ही कोई व्यक्ति को रात भर जागरण करो, बहुत डिफिकल्ट अनुभव होगा। लेकिन माँ जब बच्चा बीमार हो जाता है, माँ को मेहनत लगता है? नेचुरल आप एकदम जाग जाते हो, अपलक नयन में एकदम बैठ के बच्चों को एकदम देखते रहते हो, सभी माताओं का अनुभव है ना, है ना? नहीं, तो कोई भी कार्य करने के लिए अगर प्यार है तो आसान होता है, सहज होता है। पुरुषार्थ भी उनको मेहनत लगता है जिसको बाबा का प्यार का अनुभव नहीं है, बाबा से प्रीत की कमी है। अगर बाबा से अटूट प्यार है तो कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए लोग तो कुर्बान हो जाते हैं एकदम। पहले ज़माने में क्या होता था, काशी कलवट खाते थे लोग, एकदम कूद पड़ते थे कहीं भी। यहाँ ब्राह्मण जीवन का, हम सभी का जीवन का फाउंडेशन सेवा भी कौन करेगा? जिसका बाबा से प्यार होगा करेगा ना, नहीं तो क्यों करेगा? ठीक है, मेरे पास फुर्सत नहीं, कहेगा। तो हमारी पढ़ाई का आधार है प्यार। इसमें भी अभी क्योंकि अंतिम समय है, बाबा ने कम से कम 1000 बार हम सभी को तागिद किया है, अचानक होगा, अचानक होगा, अचानक होगा। बाबा डेट नहीं बताएगा क्योंकि डेट कॉन्शस बन जाएंगे, टाइम कॉन्शस बन जाएंगे, सोल कॉन्शस नहीं बनेंगे, इसलिए बाबा कभी भी समय नहीं बताएंगे। लेकिन बाबा ने कह दिया है अचानक होगा। और अभी तो बाबा ने क्लियरली इशारा दे दिया समाप्ति वर्ष मनाओ। देखते देखते 2 महीना बीत गया, अपने आप को झांके देखें 2 महीने में क्या किया मैंने। और अभी अभी आप सभी को संदेश मिला होगा, बाबा ने संदेश दिया है सभी को, क्या
अमृत वेला बहुत पावरफुल बनाओ, दूसरा 6 महीना के लिए अनाज रखो, तीसरा आपस में आपसी मतभेद को अभी समाप्त करो। 3 बातें, जो ये 3 बातों पर अटेंशन रखेगा बाबा क्या कहेगा, बाबा भी उस पर कुर्बान जाएगा ना। नहीं, माँ बाप का कहना मान के जो बच्चे चलते हैं, माँ बाप फिर उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा का अंतिम इशारा है, मैं आपको मेरा जो अनुभव मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। देखो, आपको लगता है कि और बाबा का पाठ और आगे ज़्यादा है और बाबा पढ़ाएंगे और कुछ आगे, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और दादियों का तन तो देख रहे हो। आपको अंडर लगेगा, अभी हमारे यहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, दादी का, जानकी दादी जी का सीटी स्कैन देख के कहते हैं कि ऐसा सीटी स्कैन में जो जैसा दिख रहा है इसका फीचर्स, कोई भी एक जिंदा व्यक्ति का ऐसा कंडीशन में जिंदा रहना संभव नहीं है। जो ब्रेन की स्थिति है, जो हड्डी पसलियों की जो स्थिति है, सीटी स्कैन देख के रेडियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कोई जिंदा व्यक्ति का ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसी हालत में कोई जिंदा रहना मुश्किल है। अर्थात हम सभी बच्चों के लिए दादियों को भी बाबा थमा के रखा के चला रहे हैं, क्योंकि यज्ञ का आधार स्तंभ है। तो यज्ञ की समाप्ति का नज़ारा तो देख ही रहे हो सभी, परंतु बाबा कितने सालों से अचानक होगा वो भी बाबा ने इशारा दिया। बाबा कृपालु है, दयालु है, वो नहीं चाहते हैं मेरे बच्चे फेल हो जाएं इस पढ़ाई में, मेरे बच्चे जाके वहाँ जाके धर्मराजपुरी में सजा खाएं और जाके कम पद पाएं। बाबा हम सभी का तकदीर को श्रेष्ठ बनाने के लिए कितने बार हम सभी को इशारा दे रहे हैं, फिर भी अगर हम अलबिले रहेंगे तो क्या होगा, अंत में रोएंगे, उस समय बाबा भी साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी बाबा का अंतिम इशारा है कि बच्चे 3 बातों पर विशेष अटेंशन रखना, सभी को कहना, बाबा ने संदेश दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक बात अगर हम करेंगे बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा, वो है अमृत वेला। जिसका, जो बाबा के बच्चों का अमृत वेला ठीक नहीं होगा, वो आगे सारा दिन सारा जीवन युद्ध में बीतेगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अमृत वेला हम बाबा के बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का, वो वरदानी वेला है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही अमृत वेला है। बाबा ने कहा जो बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं, वो बच्चे जाके राजा बनेंगे। बच्चे तुम सिर्फ अमृत वाला ठीक करो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा, बाबा ने वचन दिया है। तुम सिर्फ अमृत वाला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर हम, मैं अव्यक्त वाणियां पढ़ते पढ़ते जब ये सेंटेंस पढ़ा, ये शायद 85 की 86 की मुरली में है, शायद अव्यक्त दादा की मुरली में, बच्चे तुम अमृत वाला ठीक करो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिस दिन पढ़ा मैं खाली नाचने लगा, मैं सोचा कि अगर हम अमृत वाला 1 घंटा अगर बाबा को बड़े प्यार से अगर याद करते हैं तो बाबा हमारा जीवन का सब कुछ ठीक कर देगा, तो इससे सहज पुरुषार्थ क्या हो सकता है। लेकिन बहुत बाबा के बच्चे अमृत वेला का महत्व को नहीं समझते हैं। अमृत वेला बाबा को याद करना सहज है, सर्व प्राप्ति। उस समय बाबा कहते हैं कोई ताला चाबी नहीं है, भोलेनाथ बाबा खुले दिल में बाबा को आह्वान, बच्चों को आह्वान करते हैं। बाबा कहते हैं मैं चक्र लगाता हूँ, बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे सोए हैं, बैठे हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं, बाबा को याद कर रहे हैं कि नहीं, देखते हैं, चक्र लगाता हूँ। तो अपने आप को पूछें हम, क्या अमृत वाला हम एकदम पावरफुल होता है। एक होता है नेमिनाथ जैसे, हाँ बाबा ने कहा है बैठ जाना, लेकिन नहीं,
अमृत वेला एकदम पावरफुल होगा तो जन्म जन्मांतर के भी कर्म भी दग्ध होगा। हम सारा दिन बाबा को याद तो करते ही हैं, हमारे संसार ही बाबा है, लेकिन उससे भी कर्म विनाश नहीं होगा। चलते फिरते हल्का फुल्का याद में बाबा का रहना, इसमें हम विकर्म नहीं करेंगे, कोई पाप कर्म हमसे नहीं होगा अगर बाबा याद है तो। परंतु विकर्म दग्ध करने के लिए पावरफुल स्थिति में रहना बहुत जरूरी है, और वो पावरफुल याद होता है एकांत में, अमृत वेले में। उस समय वरदानी वेला है, उस समय बाबा विशेष मेहरबान होकर हम बच्चों पर वरदान लुटाते रहते हैं। जो नींद को सिर्फ त्याग करके बैठता है प्रेम से, बाबा उसको मालामाल कर देते हैं। क्या हमारा अमृत वेला ठीक है, हम अपने आप को पूछें। एक नवीनाथ होकर बैठ जाने से नहीं होगा। जैसे हम बैटरी चार्ज करने के लिए कनेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन चेक नहीं क्या लूज कनेक्शन है कि ठीक से कनेक्शन है। सवेरे देखा तो चार्ज ही नहीं हुआ है, रात भर कनेक्ट करके रखा है लेकिन सवेरे चार्ज ही नहीं हुआ है। तो ऐसे ही एकदम समर्थ स्थिति हो, पावरफुल स्टेज हो, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाए, विकर्म दग्ध हो जाए। तो ऐसी स्थिति कैसे बनाए? बाबा अमृत वेला का महत्व वो चाहते हैं। अगर सारी मुरलियाँ अव्यक्त बाप दादा की या साकार मुरली भी अगर ढूंढेंगे ना, बाबा अमृत वेले के ऊपर बहुत कुछ बातें बताए। कम से कम 25-30 मुरली होगी जिस पर बाबा अमृत वेले पर बहुत अटेंशन खींचा है बाबा। और दादी हमारे कहते थे कि हम जब यज्ञ में पहले कराची में थे, सवेरे सवेरे मम्मा बाबा उठ के आके चक्र लगाते थे अमृत वेले। जो जाग जाते थे उनको एकदम पावरफुल दृष्टि देते थे, एकदम चार्ज हो जाते थे, हम अशरीर हो जाते थे। जो सोए रहते थे सवेरे, जब हम बताते थे मम्मा बाबा चक्र लगा निकले आए थे, तो जो सोए पड़े रहते थे उनको पता नहीं होता था, बहुत पश्चाताप करते थे, अरे हम इसके। अमृत वेले के लिए ही भक्ति मार्ग से हम सुनते आए हैं, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो अमृत वेला समर्थ बनाने के लिए क्या क्या अटेंशन देना है, मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दूंगा मेरे जीवन के आधार से, अनुभव से, और बाबा भी बहुत सारे अमृत वेले के बारे में जो हम सभी बच्चों को शिक्षा दिए हैं उसके आधार से बताऊंगा। अमृत वेला और सारा दिन का दिनचर्या का बड़ा गहरा संबंध है। सारा दिन जो व्यर्थ बातों से अपना टाइम वेस्ट करता है वो अमृत वेला उठ ही नहीं सकता है। हम बाबा के बच्चे अमृत वेले उठते हैं, लेकिन दुनिया वालों को बताओ देखना कितने लोग उठ पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उठेंगे तो करेंगे भी क्या? अगर कोई उठ भी गया करेगा क्या? फिर सोएगा? जिनकी ड्यूटी है वो पाई पैसा की तनख्वाह के लिए वो नींद त्याग करके जाते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन सवेरे उठना बहुत बड़ी तपस्या है। जिसका सारा दिन पर अटेंशन नहीं है वो सवेरे उठ नहीं सकेगा, उठ नहीं सकेगा। तो सारा दिन क्या अटेंशन दे? सारा दिन व्यर्थ बातों से बचे, व्यर्थ बातों से, अलतू फालतू दुनियावी बातों से हमारा बहुत समय वेस्ट करते हैं। बाबा की शिक्षा है, बाबा कहते हैं, कई बच्चे ऐसे खड़े होते हैं, खड़े रहेंगे, पूछो क्या कर रहे? ऐसे ही खड़े हैं। क्या बात कर रहे? ऐसे ही बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही, ये गड़बड़ है, यही माया है। बिना बेमतलब का क्यों बात करें हम? बेमतलब का हमारे मुख से तो गिने चुने शब्द निकलना चाहिए। जो वरदानी बोल जैसे महावाक्य हमारे मुख से निकलना चाहिए, बाबा चाहते हैं। ज्ञान रत्नों के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। दूसरों से भी सुनना भी है तो बाबा कहते तुम ही से सुनो, तुम्हारा ही सुनो। या बाबा की बातें सुनते रहें या बाबा की बातें कोई सुना रहा है तो वो सुनते रहें, और अलतू फालतू बातें व्यर्थ है सब। तो सारा दिन अगर हम बाबा की मुरली का अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, समय सफल बिताते हैं, व्यर्थ बातों में नहीं गया, तो जाके अमृत वेला ठीक होगा। लेकिन उसकी पूर्व तैयारी में रात्रि का जो पूर्व तैयारी है बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को जल्दी खाना आवश्यक है। जो बाबा के बच्चे लेट खाते हैं, 10 बजे मान लो खाया,
हमारे पेट में हमारे भोजन पूरा पचने के लिए 6 घंटा लगता है, कम से कम 6 घंटा लगता है। अगर पेट में अन्न होगा तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन में कम जाता है, हमारे आंतड़ियों में ही ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट हो जाता है। तो ब्रेन में अगर ब्लड सर्कुलेशन ब्लड इतना सफिशिएंट नहीं पहुंचेगा तो आप अलर्ट नहीं रह सकते हो, आपको सुस्ती आएगी। और 6 घंटे से पहले अगर उठेंगे तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। इसलिए कई बाबा के बच्चे ये सब नॉलेज ना होने के कारण उठते तो जाते हैं जल्दी, लेकिन कहते हैं टू मच एसिडिटी हमें नहीं हुआ, हम तो छोड़ दिए इसलिए नहीं उठते हम। रात्रि का भोजन अगर लेट खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे तो कैसे अमृतवेले पावरफुल हो सकता है? इसलिए बाबा ने जो नियम इधर बनाया है मधुबन में, 7:30 के बाद ट्रैफिक कंट्रोल के बाद भोजन सबको प्राप्त हो जाता है। तो 8 बजे तक अगर हम खा लेते हैं, और रात्रि का भोजन थोड़ा हल्का करना है, थोड़ा सा हल्का करना है, सवेरे नाश्ता भले अच्छी तरह से कर लो फिर से, लेकिन रात्रि का भोजन एकदम पेट भर के खा लिया, कुंभकर्ण जैसा खा लिया तो कुंभकर्ण जैसा सोएंगे। तो इसलिए रात्रि भोजन थोड़ा सा हल्का करें, 1 रोटी 2 रोटी खाएं बस, थोड़े से सब्जी खा लें। तो अगर 8 बजे तक खाते हैं, 6 घंटा हुआ तो कितना हुआ? 2 बजे। 2 बजे के बाद आपको फ्रेश लगेगा, उठेंगे तो भी आपको सुस्ती नहीं आएगी, एसिडिटी नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगा। पहले तो हमारा नियम जो सारा मधुबन में सबके लिए जो नियम है, 3:30 बजे रिकॉर्ड बजता है, अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडले जागो, प्रभु मिलन की यही वेला है मेरे लाडले जागो, वो नियम पहले हम पक्का करें। 3:30 बजे कुछ भी हो जाए उठना ही है, ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, नियम है। उठ के बाबा ने साकार महावाक्य है, मैं आपको बताता हूँ। बाबा ने कहा है जो बच्चे सवेरे सवेरे उठकर स्नान पानी आदि कर बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं वो बच्चे जाके राजा बनेंगे, नहीं तो आगे बाबा ने क्या कहा जानते हो? नहीं तो साकार वाक्य है, बाबा ने कहा नहीं तो झाड़ू लगाएंगे। देखो हम मंदिर भी जाते हैं तो बिना नहाए धोए जाते हैं क्या? अगर हम बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अलग बात है, हमको सूट नहीं करता है, शरीर ठीक नहीं है, हर एक की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन मेरा अनुभव है सवेरे अगर उठते ही फट से जाके एक सावर ले लो, देखना आपको कितना फ्रेश लगता है, एकदम अच्छा लगेगा। फिर अच्छा कपड़ा पहन के फिर एकदम प्रेम से विधिपूर्वक बैठ के बाबा के प्यार में गदगद होके बाबा को याद करेंगे, तो वो जो आनंद है, वो खटिया से ऐसे ही उठा, वही कपड़ा पहना है, बाल ऐसा ही है, लार ऐसा लगा हुआ है, जाके बाबा बाबा करेंगे तो पावरफुल होगा। कैसे होगा बताओ? कोई तो खटिया में भी योग करते हैं, कोई बेलकोनी में योग करते हैं, उसमें कैसे होगा? मधुबन में कितना अच्छा लगता है, देखो कितना चारों तरफ वाइब्रेशन, कितना अच्छा है वातावरण, कितना अच्छा है। यहाँ बाबा का कमरा कहो, यहाँ हिस्ट्री हॉल कहो, शांति स्तंभ कहो, मेडिटेशनल, कितना सुंदर अच्छा लगता है, सामूहिक योग होता है, वाइब्रेशन कितना अच्छा है। लेकिन आप सभी घर में रहने वाले, घर का भी वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा इतना पावरफुल, तो ही तो अनुभव होगा, नहीं तो कैसे अनुभव होगा। तो अमृत वेले 3:30 बजे का पहले नियम पक्का करें। पहले अगर शरीर ठीक है, नहा धोए नहीं तो बहुत अच्छा, बीमार है तो नहीं सूट करता है तो कोई बात नहीं, भले कपड़े चेंज कर दो, मुंह हाथ धुले कर दो, ब्रश कर दो, अच्छी तरह से फ्रेश हो जाओ, हाथ पांव धुले करके कपड़े चेंज करके भी बैठ सकते हो। 3:30 बजे ये तो नियम है, लेकिन जिसको लास्ट सो फास्ट जाना है, जिसको बहुत ऊंच पद पाने का अंदर लक्ष्य है, देखो हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना है ना, नहीं फॉलो फादर फॉलो मदर। तो मैं हमारी दादियों को पूछता था, दादी कहती थी बाबा सारे जीवन काल में 2 बजे के बाद कभी उनको बाबा को सोते हुए नहीं देखा हमने, 2 बजे उठ के ही तपस्या करते थे। मम्मा 2:30 बजे पक्का, पूरा 2:30 बजे पक्का एकदम उठती थी,
कुछ भी हो जाए, कितने भी लेट तक सेवा हो। एक बार हमारी चक्रधारी दीदी सुना रही थी, एक दिन सेवा करते करते ऐसे रात को 12 बज गया, हम तो सो गए, हम रुतले उठे नहीं, लेकिन मम्मा वही टाइम 2:30 बजे उठ के फिर तपस्या की। तो चक्रधारी दीदी बता रही थी, मैं मम्मा को पूछी कि मम्मा हम रात को 12 बज गया, हम तो सो गए, आप फिर भी 2:30 बजे उठे। तो मम्मा ने क्या कहा जानते हो? मम्मा ने कहा, एक तो बाबा की श्रीमत है कि बच्चे 11 बजे तक सो जाओ। ऐसे ही यहाँ देखिए हमारी दिनचर्या में 10 तो करो बस। हमारी परदादी थी तो कहती थी, कोई भी मीटिंग हो कुछ भी हो, कहती थी 10 करो बस, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर हम बाबा की श्रीमत को पालन नहीं किया, 11 बजे के बाद सोया, तो एक श्रीमत उल्लंघन हो गया है ना, नहीं? तो मम्मा ने कहा कि एक तो हम 11 बजे के बाद सोए, एक श्रीमत उल्लंघन किए, फिर अमृत वेले नहीं उठा तो दूसरा श्रीमत भी उल्लंघन हो जाएगी, इसलिए नहीं। तो मम्मा 2:30 बजे कुछ भी हो जाए उठती थी, लेकिन जल्दी उठने के लिए बहुत शक्तिशाली स्थिति चाहिए, बहुत दृढ़ता चाहिए। उठ तो गए, लेकिन अगर फिर वहाँ सुस्ती करते रहेंगे तो वातावरण को और ख़राब करेंगे, तो और ही सिर पर बोझा चढ़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना, हट से नहीं। इसलिए बताया, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है प्यार। बाबा से प्यार होगा ना, ऑटोमेटिकली नींद खुलेगी, बैठेंगे तो सुस्ती नहीं आएगी। जितना प्यार होगा, प्रेम होगा, दिल से बातें करेंगे, खाली बैठ जाना नहीं। दुनिया वाले का योग और हमारा योग में क्या अंतर है? दुनिया वाले जितने भी मेडिटेशन करते हैं, क्या या तो मन को खाली कर दो, बिल्कुल कुछ सोचो नहीं तो सांस को देखते रहो, सांस लिया फिर बाहर आया, सांस लिया बाहर, सांस को ऑब्जर्व करते रहते हैं, माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं। अंदर सांस को गया, अंदर सांस बाहर आया, सांस गया, सांस को ही देखते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़े समय के लिए इधर उधर ख्यालात मन में नहीं आएंगे, बस इतना ही ना। लेकिन बाबा ने जो परिभाषा योग का हम सभी को बताया है, वो किसने नहीं कहा? बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बाबा से बातें करना, उसका नाम योग है। कि ओह बाबा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, दुनिया में अभी तक कहाँ कहाँ आपको ढूंढ रहे हैं लोग, एक झलक पाने के लिए कितने तरस रहे हैं। बाबा आप तो सन्मुख बैठ कर हमको पढ़ा रहे हो, हम कितने सौभाग्यशाली, बाबा हमें वारिस बनाकर स्वर्ग में ले चल रहे हो, जहाँ 21 जन्म तक हम माला माल होंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई रोग सुख पीड़ा नहीं। बाबा मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। तो जैसे अपने माँ बाप के साथ हम बातें करते हैं, ऐसे बाबा से बातें करना। तो जो बातें करेगा उसको नींद कैसे आएगी? चुपचाप बैठने से नींद आ सकती है। तो इसलिए अमृत वेले उठकर बाबा ने जो विधि बताई, जिसके द्वारा हमारे विकर्म विनाश होगा, कैसे विकर्म दग्ध होगा, पावरफुल हो जाए, मैं जो समझा हूँ बाबा की सारे महावाक्य को अध्ययन करके, मैं सार में आपको सुना देता हूँ बाबा क्या चाहते हैं हमसे। देखिए, जैसे ही नींद, पहले तो 3:30 बजे का पक्का हो नियम, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उठना ही है 3:30 बजे। उठते ही अपने रजाई हजे को लात मार देना चाहिए, ये माया है, ये रजाई को छीनने के लिए रजाई आई है, इसको लात मार के पहले से तुरंत ही घुस जाना है बाथरूम में, एक बार स्नान कर देना, देखना बाद में फिर दोबारा भले स्नान करो, उस समय पेट तो साफ नहीं होता है, लेकिन एक बार स्नान कर दो, देखो फिर एकदम सुस्ती भाग जाएगी। नहीं तो और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट, 5 बज जाएगा, 5 मिनट करते करते कब 5 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। तो 3:30 बजे पक्का हुआ तो फिर 15 मिनट पहले उठो, फिर पक्का हुआ 1 महीना 2 महीना तो फिर 3 बजे उठो। धक से करने के लिए शक्ति चाहिए और सारा दिन की सेवा भी चाहिए। देखिए, हम मम्मा बाबा को फॉलो करें, ऐसे ही देखो बाबा, जो भी बुजुर्ग भाई यहाँ बैठे हैं उनको अनुभव होगा, जैसे एज बढ़ता जाता है नींद कम हो जाती है ना, नहीं? एकदम नींद कम हो जाती है। तो बाबा तो ऐसे ही वानप्रस्थ थे, बाबा को नींद कम आती थी, बाबा को फॉलो करेंगे कहेंगे और सारा दिन हमें सेवा भी करनी है, फिर सुस्ती करते रहेंगे तो डिसर्विस होगी ना। अगर ठीक से नींद नहीं किए हो तो गलतियाँ होगी, गड़बड़ करेंगे, प्रॉब्लम होगा फिर।
है नहीं, बैठे बैठे सो जाएंगे, बात करते करते उबासी खाते रहेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसलिए पहले 3:30 का पक्का करें, 3:30 अगर कुछ महीना तक पूरा अच्छा हुआ तो फिर 15 मिनट पहले, फिर 15 मिनट पहले, ऐसे करके हमें मम्मा बाबा समान बनने का लक्ष्य रखना है। उठते ही बैठते तैयार हो गए, फिर क्या करना है, रात्रि को सोने से पहले अगर एक मुरली पढ़ते हैं, चाहे अव्यक्तवाणी चाहे व्यक्तवाणी पढ़ते हैं, बाबा के बहुत सुंदर एक या दो गीत सुनते हैं, और अपने सारे दिनचर्या सवेरे उठ के रात तक क्या किया एक बार सब देख लेना है, सवेरे से लेके मैं क्या 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 क्या, अगर कोई गलती हो तो बाबा को बता के चाट दे के फिर गुड नाइट करके बाबा की गोदी में सो जाएं। देखना उठते ही जो रात को सोते सोने से पहले पढ़े हो या बाबा के गीत सुने हो वही गूंजेगा, वही गूंजेगा। अगर आप अकेले हो तो बाबा के बड़े प्रेम के गीत अलग फोल्डर बनाओ, गीत बजा दो, भले आप ब्रश कर रहे हो, मुंह धो रहे हो, नहा रहे हो, गीत बजता रहे। लेकिन संगठन में हो, दूसरे भी हैं, वहाँ गीत बजाओगे तो दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है, वो ध्यान देना है। सवेरे सवेरे बहुत अच्छे एक दो गीत बाबा का सुन लिया ना, तो फिर देखना एकदम बाबा के प्रति प्रेम से एकदम गदगद हो जाओगे, बहुत सहज होगा योग करना। तो बैठते ही पहले क्या करना है, जब योग में बैठे बाबा के सामने जाके ट्रांसलेट के सामने बाबा को गुड मॉर्निंग करो, उसके बाद बाबा कहते हैं बच्चे ड्रिल करो। जैसे कोई भी फुटबॉल खेलने के लिए कोई भी स्पोर्ट्समैन जाता है मैदान में, पहले वो ड्रिल करता है, अपने बॉडी को वार्म अप करता है, फिर खेलकूद में लगता है। ऐसे ही योग से पहले बाबा के ये महावाक्य है, श्रीमत है, बाबा ने कहा है कि बच्चे ड्रिल करो, ड्रिल करो, मन बुद्धि को एक्टिवेट करो। जैसे दुनिया में ड्रिल करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अनुभव करो मैं साकार स्वरूप में, ये मेरा साकार चोला है, शरीर है, मैं आत्मा यहाँ भ्रुकुटी तख्त में एक पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली, मैं स्वदर्शन चक्रधारी, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, मैं ब्राह्मण हूँ। फिर थोड़े समय में अपने को सूक्ष्म वतन में अनुभव करो, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है, एकदम शुभ्र प्रकाश है, यहाँ मेरा शरीर एकदम लाइट का हो गया, बिल्कुल डबल लाइट, मैं आत्मा भी चमक रहा हूँ, मेरा शरीर भी बिल्कुल लाइट का, मेरे मस्तक के चहों और एक सुंदर लाइट का प्रभा मंडल है, दो सुंदर पंख है उमंग उत्साह ज्ञान योग का, और मैं प्रभु संदेश वाहक हूँ, मेरा एक ही रिश्ता एक ही रास्ता, बाबा ही मेरा संसार है, मैं ये फर्श की दुनिया से ऊपर अर्श निवासी हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, एकदम लाइट 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 अनुभव करो। फिर थोड़े समय में बाबा कहते उड़ जाओ मूल वतन में, वहाँ चारों ओर एकदम सुनहरी लालिमा है, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है, एकदम प्रकाश प्रकाश है, अखंड शांति है, अनंत शांति है चारों तरफ, बाबा एक चमकता हुआ सूर्य समान सितारा चमक रहे हैं, मैं बाबा के एकदम पास हूँ, मैं बाबा एकदम मैं भी एक ज्योति हूँ, लाइट हूँ लाइट हूँ, ना मेरा साकारी शरीर है ना मेरा आकारी शरीर है, मैं एक निराकारी स्वरूप ज्योति हूँ। फिर थोड़े समय अनुभव करके फिर वापिस आ जाओ स्वर्ग में, सतयुग में, वहाँ मैं चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हूँ, विश्व का मालिक हूँ, मैं डबल ताजधारी हूँ, एक रत्न जड़ित ताज है और एक सुंदर पवित्रता का ताज है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अलंकारी मूरत, मेरे मस्तक पर विजय का तिलक है, वैजयंती माला है, मैं विश्व का मौलिक हूँ, संपूर्ण निर्विकारी स्वरूप हूँ। फिर थोड़े समय अनुभव करके फिर आ जाओ साकारी ब्राह्मण स्वरूप हूँ, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ड्रिल 5-7 मिनट करो, देखो फिर मन बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगा। फिर एक फरिश्ता रूप में बाबा के सन्मुख बैठ जाओ, बाबा एक फरिश्ता है, फरिश्तों का राजा बाबा बाप दादा सामने है, बाबा दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा, उनके प्रकृति में शिव बाबा भी चमक रहे हैं, दोनों सामने हैं, और बाबा अपने वरदानी हाथ से मेरे मस्तक पर
वरदहस्त रखकर मुझे वरदान दे रहे। बाबा कहते हैं मैं रोज़ बच्चों को वरदान देता हूँ, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे वरदानों को याद रखना ही वरदानी मुहूर्त बनना है। आपके पास सब कुछ है, आपके किचन में सब कुछ रखे हो, लेकिन सब्जी बनाते समय याद नहीं है हल्दी कहाँ है, नमक कहाँ है, किधर कहाँ है, कुछ याद नहीं है कहाँ है, कैसे बनाओगे? तो बाबा तो देते हैं लेकिन समय पर याद आना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले जो वरदानों को दोहराते हैं अर्थात बीज में पानी डालते हैं तो वरदानी मुहूर्त बन जाते हैं। तो जो अपनी कमी कमजोरियां हैं बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे वरदान लो। मान लीजिए आपको नींद आती है तो बाबा को बोलो बाबा मुझे निद्राजित नहीं बनाओगे, आप ही तो मेरे भाग्य विधाता है। तो अनुभव करो बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मुझे कह रहे हैं बच्चे निद्राजित भव, बच्चे निद्राजित भव, बच्चे निद्राजित भव। अनुभव करो मस्त सर्वशक्तिवान भव, मस्त सर्वशक्तिवान भव। अनुभव करो तीन तीन बार, आठ आठ बार, 21 बार। अगर आपको बहुत कुछ कमी है 21 बार रोज अनुभव करेंगे लगातार पूरा कुछ दिन प्रैक्टिस करो, देखो उस पर ऑटोमेटिकली विजय प्राप्त करेंगे। बाबा अपने हाथ पर ऐसे हाथ लेके मेरे माथा पर विजय का तिलक लगा रहे, बच्चे विजयी भव, बच्चे विजयी रतन भव। तो बाबा से वरदान लो, 10, 15, 20 जितने वरदान लिखना है लिख के याद करो और उसको तीन तीन बार, सात सात बार, आठ आठ बार, 21 बार जितने बार लेना है वरदानों को अनुभव करो, देखो फिर कैसा अनुभव होता है। फिर बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो, बाबा से बातें करो पिता के रूप में, माता के रूप में, गुरु शिक्षक। बाबा के साथ कितना संबंध है हमारा? ऐसे तो सर्व संबंध है, भक्ति में हम क्या गाते थे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। हे प्रभु आप मेरे सब कुछ हो। लेकिन उसमें से विशेष 8 संबंध हमारा मुख्य है। बाबा ने कहा है अगर सारा दिन ये 8 संबंधों का कोई अनुभव करता है तो वो अष्ट रतन में आ सकता है। जो अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करता है और अष्ट संबंध निभाता है वो अष्ट रतन में आ सकता है, बाबा ने कहा है। तो 8 संबंधों का रुरुहन करना है। बबा कौन से 8 संबंध? माता पिता, गुरु शिक्षक, बंधु सखा, स्वामी बच्चा, स्वामी अर्थात साजन, और सर्जन भी ऐड कर देना, साजन भी है तो सर्जन भी है क्योंकि सब बीमार हैं आजकल, है ना नहीं? तो बाबा आप मेरे सुप्रीम सर्जन हो, बाबा मेरी कमर ठीक नहीं करोगे, मेरे घुटना ठीक नहीं करोगे, अधिकार से बोलना है। बाबा ऐसे ही टालने के लिए कह देते हैं मैं नहीं करता हूँ, बीमारी के लिए जाओ तुम लौकिक सर्जन, नहीं, बाबा बंधा हुआ है करने के लिए। इसलिए भगवान को वैद्यनाथ कहा जाता है, शिव बाबा का नाम एक वैद्यनाथ, जानते हो ना? नहीं तो बाबा सभी पहले जमाने में डॉक्टर कौन बोलता था, पहले वैद्य कहते थे, तो सभी वैद्यों का नाथ शिवाबा है। सब बीमारियां हमारी दादियों को 14 साल तक कोई लौकिक डॉक्टर के पास बाबा ने नहीं भेजा। दम्मा होती थी बाबा छाछ पिला देते थे ठीक हो जाता था। कोई दम्मा के मरीज को छाछ पिलाया जाता है क्या? बाबा क्या नहीं कर सकता है, चाहे तो सब कुछ बीमारी ठीक कर सकता है। लेकिन हमारे बाबा के प्रति विश्वास, आस्था, अधिकार, लगन, बाबा आप मेरे सुप्रीम सर्जन हो, मैं आपका बेटा हूँ, मैं इतना तकलीफ है, मैं कहाँ जाऊँ, आप नहीं ठीक करो, मैं नहीं मानता, फिर आप बद्रीनाथ हो, आप सुप्रीम सर्जन नहीं हो, खाली झूठा मूठा वायदा करते हो, मैं बैठा हूँ ना, तुम चिंता मत कर, मुझे इतनी तकलीफ है, चिंता मत कर, करो ठीक। बाबा के साथ लड़ाई करना है सवेरे सवेरे, देखो फिर बाबा बंधा हुआ है ठीक करने के लिए, सब ठीक हो जाए। कितने लोगों के क्या क्या बीमारियाँ ठीक हो जाए, मैं जाके सुनता हूँ, इधर उधर जाता हूँ ना, लोग अनुभव सुनाते हैं, मेरा खुद का अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे ये घुटने में इतना पेन होता था, इतना पेन होता था कि मैं नीचे बैठ नहीं पाता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है नीचे बैठने का। तो मैं एक हमारे हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, ये बहुत पुरानी बात है, 20 साल पहले की बात है। तो उनको दिखाया तो वो सारा टेस्ट वेस्ट करके कहते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है और अभी आप नीचे नहीं बैठना है, कुर्सी में बैठना है, इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, उबड़ खाबड़ रास्ते में नहीं चलना है, इतनी सारी दवाई। मैं बोला कहाँ फंस गया मैं,
एक महीना तक पूरा परहेज किया, दो महीना तक परहेज किया, नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ। मैं एक दिन बहुत जल्दी आया बाबा के कमरे में, ट्रांसलेट के एकदम सामने बैठ गया, कोई नहीं थे, बैठ गया और बाबा को बोला, बाबा आप सुप्रीम सर्जन हो, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, आप ठीक नहीं करोगे? आज अगर ठीक नहीं करते हो ना, कुछ भी हो जाए, मेरा टांग टूट जाएगा तो टूट जाएगा, जो होगा मैं तो बैठूँगा इधर। और बैठ गया एक घंटा डेढ़ घंटा बाबा के ट्रांसलेट के सामने। आप सोच नहीं सकते हो, अभी तक देख लो, पूरा 10 घंटा भी बैठा दो बैठ जाऊँगा, एक भी दवाई नहीं खाया। तो कहने का मतलब है, आपका लगन है तो बाबा करेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है आप बाबा पर सब भरोसा करके छोड़ दो, कोई टेस्ट नहीं करो, कुछ नहीं करो और उधर और कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा भी नहीं। हमें बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा बनाया है, समझदार बनाया है, तो शरीर को भी संभालना हमें आना जरूरी है, चेक भी करना है, देखना है। देखो अगर बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे कर्मभोग भी तुम्हें तो चुक्त करना पड़ेगा, बहुत जन्म जन्मांतर के जो भी कर्म है उसको तो दग्ध करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दादियों को देखो, हमारे बाबा को भी, मम्मा को भी, सबको कर्मभोग चुक्त करना पड़ा, ये टेस्ट पेपर सबको देना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी आवश्यक है तो दवाई भी करना है तो करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कलयुग में ये रंग बिरंगी जो दवाइयाँ हैं ये ड्राई फ्रूट समझ के खा लो, एक काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, करके खा लो, लेकिन ठीक रहो, शरीर को संभालो। तो मेरा कहने का भावार्थ है सवेरे बाबा से वरदान लो, जो वरदान लेता है नेचुरली ऐसा समर्थ स्थिति हो जाती है। अब खाली ऐसे बैठो देखना, थोड़े समय के बाद कोई संकल्प में चलेगा तो सुस्ती आएगी। बाबा के सामने बैठे हो और संकल्प कर रहे हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ऐसे होगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ऐसे होगा? हो सकता है? तो वरदान लो, फिर बाबा से रुरुहान करो, बाबा आप मेरे पिता हो, मैं कितना कहाँ भटक रहा था, आप मेरे मुझे वारिस बच्चा बनाकर मुझे विश्व का मालिक बना रहे हो, मैं कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था, बाबा मैं कितना खुशनसीब हूँ, बाबा मेरी कितनी पालना कर रहे हो, सबरे सबरे मुझे इतने स्नेह देकर, इतनी शक्ति देके मुझे कितनी शक्तिशाली माँ अजीत बना रहे हो। माँ क्या करती है, अच्छी माल ठाल खिला के मालिश करके मजबूत बनाती है, ऐसे बाबा भी हमें सब मजबूत बना रहे हैं, माया जीत बना रहे हैं। बाबा आप मेरे परम शिक्षक हो, कितनी सुंदर बातें दुनिया में जो कहीं कोई साधु सन्यासी ऋषि मुनि कहाँ कोई नहीं सुना सकता है, कितनी सुंदर बातें मुझे सुना रहे हो बाबा, मेरे सारे उलझन खत्म कर दे, मेरे सारे संशय नष्ट भ्रष्ट हो गया, मैं गत संशय हो गया, नष्ट मोह हो गया, स्मृति लब्ध हो गया, बाबा मुझे सदर्शन चक्रधारी बना दे, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए, बाबा आप मेरे सतगुरु हो, भव सागर से पार ले चल रहे हो, मैं कभी सोचा ही नहीं था, आज तक तो ऋषि मुनि कितनी तपस्या क्या क्या करने के बाद जाके मुक्ति होगी। और आपको हंसी की बात सुनाता हूँ, मेरे एक ग्रैंड मदर थी, बहुत भक्ति करती थी, इतने उपवास करती थी बात मत पूछो, बिल्कुल बहुत भक्ति करती थी, निर्जला उपवास पूरा। मैं एक दिन पूछा ये सब क्यों कर रहे हो, कहती है मैं एकदम छोटा था उस समय, ज्ञान में नहीं था तो पूछ रहा था, तो ये सब क्यों करती हो, तो कहती है इतनी भक्ति करने से अगले जन्म में घास बनोगे, फिर वो घास को कोई गाय खाएगी तो फिर मुक्ति होगी। तो भक्ति में लोगों को क्या क्या सब ऐसे बता के रखे बात मत पूछो, लेकिन बाबा हमें कितने सुंदर देखो इस संसार से पार ले चल के कैसे स्वर्ग में हमें, लोग तो सोच भी नहीं सकते स्वर्ग क्या है, उनको पता ही नहीं है। तो बाबा से सर्व संबंधों का रुरान करो, बाबा आप मेरे साथी हो ना, चलो बाबा चलो ये काम करते हैं। देखो बाबा के साथ हमेशा बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध, सारा दिन सवेरे से लेकर रात तक अगर बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो बाबा ही संसार है, बस फिर देखो कैसा मजा आता है। तो फिर बाबा से संबंधों का अनुभव करने के बाद फिर क्या करो, सब हो गया, जैसे एक छोटा बच्चा बाबा अपने माँ बाप के पास आके स्कूल से पढ़ाई करके आया, पापा पापा मम्मी मम्मी आज स्कूल में हमारे टीचर ऐसा किया, मेरा दोस्त ऐसा किया, ओ क्या सारी बातें बता दिया, फिर क्या करेगा, चुपचाप बैठा रहता ही नहीं, चुपचाप बैठा रहता है मम्मी के पास पापा के पास, उसको अंदर नशा चढ़ा रहता है, कुछ बात भी नहीं करेगा लेकिन वो खुशी से झूमता रहेगा।
ऐसे ही बाबा से जो बातें करना है करने के बाद फिर अनुभव करो, बैठो बाबा के सामने, बाबा को देखो, बाबा कैसे बिंदु है, बाबा बिंदु है मैं बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है मैं बिंदु हूँ, इस शरीर भूल जाए। हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य है ये शरीर भूल जाए, देहभान भूल जाए। जो अंत में शरीर को भूलेगा वही कर्मातीत होके बाबा के साथ चलेगा, ये शरीर जाएगा ही नहीं। जो शरीर को नहीं भूल पाएगा वो अंत में चिल्लाएगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। सभी उड़ते जाएंगे, हम रह जाएंगे इधर। इसलिए अगर हम साधना कर रहे हैं, हमारे शरीर का भान नहीं भूल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं कमी है। और वो होगा जितना बाबा से प्रीत होगा, प्रेम होगा, गदगद होके एकदम रोमांच होके तल्लीन हो जाए, शरीर भूल जाएगा। तो इसने जितना प्यार वो इस पढ़ाई में उतना पास। हमारी दादियों के पास कौन सी डिग्री, कौन से कहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या किए थे, बाबा से जो अटूट प्यार है देखो बाबा क्या से क्या बना दिए। इसलिए बाबा से प्रेम कभी कम ना हो, और वो तब होगा जब बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह से सुनेंगे, बाबा क्या चाहता है हमसे, बाबा कितना प्यार करता है हमसे। दादियों के अनुभव सुनेंगे, बड़ों के अनुभव सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, तो बाबा से प्यार दिन प्रतिदिन, बाबा के गीत बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनते रहेंगे, तो बाबा से प्यार। इसलिए बताया ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन प्यार है। और अमृत वेला अगर एकदम पावरफुल हुआ, अमृत वेला शरीर भूल गया, आप लंबे समय तक बैठने की आवश्यकता है, 5 मिनट 10 मिनट में नहीं होगा। बहुतों का संस्कार है भक्ति में, जैसे जाते थे ना वो देवी के सामने थोड़ा फूल दे दिया, नमन कर दिया, फिर वो देवी के पास जाके वहाँ थोड़ा सा कर दिया, वहाँ 5 मिनट, वहाँ 2 मिनट, वहाँ 10 मिनट, इधर उधर। तो यहाँ भी ऐसे कई बाबा के ऐसे बच्चे करते हैं, शांति स्तंभ के सामने 2 मिनट खड़ा हो गए, इधर आके 2 मिनट खड़ा हो गए, बाबा के कमरे में 2 मिनट जाके फिर उधर गए, चार धाम हो गया मेरा, हो गया। उससे विक्रम दग्ध नहीं होगा। विक्रम दग्ध करने के लिए ज्वाला स्वरूप, एकदम पावरफुल लाइट माइट स्वरूप, बिल्कुल मैं एक ज्योति हूँ, एकदम पावरफुल लाइट हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, शिव शक्ति हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ, ऐसा स्थिति पूरा एकदम बिल्कुल भूल जाए सारी दुनिया, एकदम लाइट माइट। वो अभ्यास थोड़े समय बैठ के देहभान बिल्कुल भूल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठेंगे एक जगह पे तो होगा। और बैठ के बाबा से एकदम लाइट की किरणें जैसे मेरे ऊपर आ रही है, मेरे आत्मा के ऊपर पड़ रही है, बाबा को देखते रहो, बाबा की आँखों से, बाबा के मस्तक से या शिव बाबा से एकदम पावरफुल लाइट आ रही है, एकदम शक्तिशाली किरणें आ रही है, मुझे आत्मा पर पड़ रही है, मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो गए, मेरे शरीर के अंग अंग में बाबा की लाइट एकदम प्रवाहित हो रही है, मैं चार्ज हो गया, एकदम बाबा का सकास करंट फ्लो हो रहा है, एकदम चार्ज, देखना कैसा लगे जैसा शरीर है ही नहीं, एकदम लाइट। कितने समय बैठ जाएंगे आपको बिल्कुल जैसे बैठा ही नहीं हो, मैं कैसे उड़ रहा हूँ ऐसा अनुभव होगा एकदम। कितने समय बैठेंगे आपको कुछ होता है, कई बाबा के बच्चे 5 मिनट नहीं बैठ पाते ऐसे ऐसे। एक व्यक्ति का बैठक से पता चलता है उसकी स्थिति, वो साधक कैसे है, कितने साधना किया है। बाबा 5-5 घंटा ऐसे बैठ जाते थे, राजा जैसे टांग पर टांग चढ़ा के, मामा हमारी कैसे बैठी है देखो। तो एक जगह पर बैठ के डेली अभ्यास करिए, अमृत वेले 1 घंटा 2 घंटा बैठने का अभ्यास हो तो ही पावरफुल होगा। और अशरीरित देहभान भूल जाए, मैं बिंदु हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, ऐसे एकदम पूरा अभ्यास हो, अनुभव हो, फिर सारा दिन में भी वो अभ्यास, फिर वो अनुभव होगा, ऐसे शरीर में करंट फ्लो हो रहा है, मैं से चल रहा हूँ। ये इसलिए भट्टी कराया जाता है, पहले यहाँ मधुबन में भट्टी होती थी, दादी प्रकाशमणि जब थे हमारे यहाँ, हम 2-3 दिन भट्टी करते थे। मेरे को अनुभव है, मुझे 3 दिन भट्टी करने के बाद ऐसा लगता था, कुछ दिन तक वो लहर चलता था, शरीर जैसा है नहीं, चल रहे हो तो जैसे कहाँ पाँव ऊपर ऊपर ऐसा एकदम हल्का लाइट, इतना खाओ तो पेट भर गया जैसा, 2 घंटा सोने के बाद भी एकदम फ्रेश हो गए, एकदम एंजल जैसा। तो अभी ये साल अंतिम साल है, बाबा ने वरदान दिया, समाप्ति वर्ष है, मधुबन में आना आप सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, बाबा के घर में तपस्या करना, सेवा करना। तो यहाँ ऐसी स्थिति बने, ऐसा पावरफुल अवस्था हो कि जाके घर में भी जहाँ जाए हम लाइट हाउस की तरह हो, वातावरण को भी ऐसा बना दें। तो
इस समय अमृत वेला जो जितना पावरफुल बनाएगा वो लास्ट सो फास्ट हो जाएगा। देखना, जैसे कोई लंबा दौड़ चलता है, पहले तो कोई कैसा दौड़ता है कैसा दौड़ता है कैसा दौड़ता है, लेकिन लास्ट में जो दो तीन राउंड होता है लोग जी जान लगा के दौड़ लेते हैं, एकदम आगे नंबर ले लेते हैं। ऐसे ही अभी जो अमृत वेला पावरफुल बनाएगा, सारा दिन अटेंशन रख के एकदम अपनी स्थिति को बाप समान बनाएगा, वही एकदम आगे नंबर ले लेगा। फिर वो आपसी में मतभेद कहाँ सवाल उठता है, जब मैं एकदम बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ, सबके प्रति प्रेम, बाबा के जैसा रहम दिल उदारता, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आएगी। और भविष्य के लिए ठीक है, जो आप सभी घर गृहस्थ में रहते हो ये तो देखना पड़ेगा, कुछ बाबा ने जो इशारा दिया 6 महीना के लिए कुछ ना कुछ आपस रखो, स्टॉक रखो, वो जरूरी है, क्योंकि अभी अचानक का पाठ जब शुरू होगा देखना ऐसे समय पर कैसे होगा फिर, तो इसलिए बाबा ने इशारा दिया है। तो कुछ चीज़ें जो हम रख सकते हैं, जैसे अनाज है, गेहूं है, चावल है, दाल है, तेल है, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पास सब कुछ है लेकिन गैस नहीं है, क्या करोगे? तो इसलिए केरोसिन रखना जरूरी है, मैच बॉक्स रखना जरूरी है, गैस का, पहले ज़माने में गैस का स्टोव होता था वो रखना जरूरी है, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी क्या करोगे। तो जो इमरजेंसी में कुछ साधन नहीं होते हुए भी चलेगा, ऐसा हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, बाबा ने इसलिए इशारा दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी स्थिति। मुझे याद है हमारी शांतामणि दादी जी, लास्ट लास्ट दिनों में एक बार दादी को पूछा तो दादी ने क्या कहा जानते हो? दादी ने कहा अंतिम समय में ये सब साधन फेल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, खाने पीने के लिए भी नहीं मिले। अभी भी शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, कई बड़े बड़े शहरों में पानी बिल्कुल जीरो हो गया है, पानी है ही नहीं। तो ऐसा होगा, परंतु ऐसे समय पर ये साधन भी कितने दिन तक रखोगे? 6 महीने से आगे चले गए तो फिर क्या करोगे? भूकंप आएगा तो ये सब होगा तो सब चला जाएगा, दब जाएगा तो फिर क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी स्थिति। तो बाबा ने कहा है कि जो बच्चे अंत में जिसकी स्थिति अच्छी होगी, बाबा, दादी हमारी संतामणि दीदी कहती थी, दादी कहती थी कि बाबा सुबिरस पिलाएगा। जैसे शुरू शुरू में हमारी दादियाँ महीनों तक ट्रांस में रहती थी, महीनों तक पानी भी नहीं पीती थी, खाना भी नहीं खाती थी, कुछ भी, कैसे चलते थे, तो बाबा उनको सुबिरस पिलाते थे। तो अंत में जब महाविनाश होगा, चारों तरफ जिसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, बाबा से एकदम प्यार में, एकदम पूरा लगन में मगन है, उसको बाबा सुबिरस पिलाएगा, ट्रांस में साक्षात्कार कराएगा। अभी साक्षात्कार पाठ बंद हो गया, लेकिन अंत में फिर से आदि सो अंत होगा, बाबा ने जो कहा है देखना फिर होगा। जो बाबा के बच्चे बहुत एकदम लगन जिसको है, बाबा उनको दिखाएगा। बाबा कहते हैं यहाँ तुम ऊंची पहाड़ी में रहोगे अंत में, और वहाँ से ही विनाश देखोगे, साक्षात्कार करोगे, देखोगे, और बाबा आपको एकदम साक्षात्कार भी कराएगा, सुबिरस भी पिलाएगा। तो अंत में ये साधन तो सब फेल हो जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी बाबा ने इशारा दिया है, तो आप जो घर गृहस्थ में रहते हो रखो 6 महीना 1 साल का स्टॉक हमेशा रखो, क्योंकि आगे चल के अभी तो देखो घर में पैसा तो नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो नोटबंदी हो जाएगी, चोर चुहाड़ भी आएंगे, बहुत सारी बातें हैं। और बैंक में रखोगे तो बैंक का क्या हाल होगा आप देख लेना, आगे चल के सारा कंप्यूटर फेल, तो पैसा होते हुए भी कोई निकाल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, वो बैंक का पैसा बैंक में ही रह जाएगा। देखना आगे चल के तो ऐसा कंडीशन आने वाला है। तो इसलिए अंतिम समय में हमारी स्थिति ही बहुत काम में आएगी। बहुत लंबे समय से अपने स्थिति को जो बहुत पावरफुल बनाया, बाप समान बनाया, तो वही अंत में पास होंगे। तो क्या हमारी स्थिति ऐसी है अचल अडोल, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, ऐसी स्थिति के लिए बाबा ने कहा अमृत वेला पावरफुल बनाओ। अमृत वेला जितना बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऑटोमेटिकली सारा दिन इसका असर होगा। एक अमृत वेला का किताब हमारे लिटरेचर में उपलब्ध है, हिंदी का, इंग्लिश का भी उपलब्ध है, आप पढ़ो। वहाँ बाबा अमृत वेले के बारे में जो कुछ बताया है, पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर उस हिसाब से एकदम पावरफुल योग करें, फिर देखना सब कुछ ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। चलें 2 मिनट बाबा को याद करें, एकाग्र हो जाएं परम धाम में सभी।
सभी परमधाम में एकदम बिल्कुल शरीर भूल जाए, एकदम बिंदु रूप में बाबा एकदम पावरफुल एक लाइट हाउस है, बाबा के साथ साथ मैं भी हूँ, बाबा से अनंत किरणें मेरे ऊपर फ्लो हो रहा है, मैं आत्मा एकदम चार्ज हो रहे हूँ, इस स्थिति में एकाग्र हो जाए सभी।